subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. ट्रेलर ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब अच्छा है, मतलब ठीक है, आई कैन से कि बहुत अच्छा है, बट बुरा भी नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू डबल धमाल इट्स गुड. बहुत अच्छा, टोटल धमाल था पूरा, डबल से भी ज़्यादा. टोटल धमाल लगा मुझको, माधुरी दीक्षित है, अनिल कपूर, और क्या चाहिए पिक्चर में, सीरियसली माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया, बहुत फन है, अच्छा लग रहा है एंड हिलेरियस लग रहा है. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि 22 फरवरी को कुछ धमाल होने वाला है. मिला जुला सा लगा, मतलब फन मोमेंट्स भी थे काफ़ी सारे, लेकिन गिरना पड़ना वो ज़्यादा था. अगर हम तीनों धमाल को कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा था? क्लासिक जो है फर्स्ट पार्ट, धमाल इस धमाल. दो पार्ट्स, मतलब वो पार्ट्स का कोई, इसकी इस पार्ट के साथ दो पार्ट्स को कंपेयर करो ही मत, बिकॉज यू हैव माधुरी दीक्षित इन दिस फिल्म. सी, दो हम फिल्में देख चुके हैं, तीसरे का हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, तो वो तीनों को कंपेयर करना सही नहीं होगा. बट धमाल वाज सुपर फन, जैसा सब लोग मानेंगे, तो धमाल सुपर थी. अब टोटल धमाल अब वो कहाँ तक जाती है, उसको ओवर के ऊपर जा पाती है या नहीं, वो देखना होगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहला पार्ट बहुत अच्छा था, दूसरा पार्ट एक्सपेक्टेड जो था उससे बहुत कम किया था, लेकिन तीसरा पार्ट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं. जिस तरीके से जानवरों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से VFX दिखाया गया है, तो काफ़ी न्यू लग रहा है और कोई भी ऐसे हॉलीवुड फिल्म का कॉपी नहीं लग रहा. इट हैज़ पोटेंशियल, मतलब देखा जाए तो मुझे तो ड्रॉबैक लगा वो है कि स्टोरी जो है इट्स बेस्ड ऑन धमाल ओनली, जैसे धमाल की स्टोरी थी वैसे ही टोटल धमाल की भी है, खाली कास्ट थोड़ी अलग हो गई. तो किसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो? आई गेस पूरी टीम को देखने के लिए एक्साइटेड है, बिकॉज जावेद जफरी, अरशद वारसी और रितेश, मतलब जो पुराने टीम है, दे आर पेयर्ड विद द न्यू टीम, सो या आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर द फिल्म. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, वी कांट गेस इट, बट आई गेस सबसे अच्छी एक्टिंग आई गेस जावेद जफरी होने. ट्रेलर देख के क्या लग रहा है? ट्रेलर देख करके मुझे लग रहा है कि अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं नज़र आ पाई है उस तरीके से जितनी आनी चाहिए थी. मीन्स मैं कुछ ज़्यादा और ज़्यादा हंसी एक्सपेक्ट कर रही हूँ. ओके, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है और नया स्टारकास्ट है, तो आप कितने एक्साइटेड है ये स्टारकास्ट को देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्चुअली स्टारकास्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही बड़ी, मतलब एक माधुरी, अजय, अनिल, ये सबको एक साथ एक फिल्म में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा उनके फैंस के लिए, सभी के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद वो लोग साथ में आ भी रहे हैं. सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है? सबकी अच्छी है, क्योंकि कैरेक्टर से ये जो धमाल फ्रेंचाइज है इसका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे अनिल जी गुजराती में बोल रहे हैं, रितेश भोजपुरी बोल रहे हैं, तो एक बहुत ही कमाल का ब्लेंड दिख रहा है. माधुरी दीक्षित, माधुरी इज एवरीवेयर इन द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम माधुरी और कौन है? हाँ, शायद अजय देवगन है, शायद अनिल कपूर है, पर माधुरी दीक्षित इज ऑल फॉर वेडिंग. माधुरी जब है, जब तुम, मतलब जब माधुरी यहाँ पे, और मतलब माधुरी इज माधुरी. माधुरी अनिल जी दी बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे ऑनेस्टली स्पीकिंग जावेद जफरी और अरशद वारसी की केमिस्ट्री लग रही है. वो एकदम हटके आ रही है, चाहे वो जावेद जफरी का क्यूट से ओ फिट बोलना हो या जो भी सारी चीज़ें हैं, सो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. माधुरी दीक्षित और अनिल सर का पेयरिंग है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. मुझे तो माधुरी दीक्षित की लग रही है, क्योंकि मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद. चलो, आई हैव अ क्रश ऑन अजय देवगन. तो उनके बस लुक से बस ख़त्म कर देते पूरा, बाकी तो उनके लुक से ही एक पूरा मूवी भी चल जाता है. एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू अजय देवगन का. तीन स्टार, 3.5, बिकॉज ऑफ माधुरी इट्स 5 out of 5. 3.5, 4 star. We'll be right back.